हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स बीटा हब। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन आलमंड लीप का एक्सट्रैक्ट हम घर पे कैसे करें। ये जो इंडियन आलमंड लीप आपको दिख रहे हैं, ये मैंने मेरे बैकयार्ड में मेरे यहाँ पे ट्री है उसे कलेक्ट कर ली है। हमें क्या करने का है कि इस तरह से इंडियन आलमंड लीप लेने के है और उनको वॉश कर लेने का है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये पहले वॉश कर लेता हूँ। मैं इस बकेट में सारे इंडियन आलमंड लीप पहले भिगा दूँगा और उसे अच्छी तरह से वॉश कर दूँगा। वॉश करने के बाद उससे जो मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाती है, तो हमें इस तरह से उनको थोड़ा सा हाथ से रगड़ने का है, जिसकी वजह से उन पर जो मिट्टी उस पर जो चिपकी हुई है वो निकल जाएगी। अब हमें क्या करने का है कि इस इंडियन आलमंड लीप को क्रश करने का और इस तरह से जार में या फिर जिसमें आपको इनका लिक्विड बनाने का है एक्स्ट्रैक्ट, उसमें डाल देने का। मैंने क्या किया है कि सारे इंडियन आलमंड लीप क्रश करके इस तरह से ये बैरल में डाल दिए। एक इसमें मैंने अप्रोक्स से 25 से 30 आलमंड लीफ को क्रश करके डाला हुआ है। और इस तरह से क्रश करने से क्या होगा कि ये पानी में अच्छी तरह से सोक होंगे और इसमें का लिक्विड का कलर चेंज हो जाएगा। ये कुछ येलोविश ब्राउन कलर का हो जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये अभी से इसका पानी का कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा येलो कलर में ये कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह से हमें इसको पानी में डालने का और इसे 24 घंटे के लिए भिगो के रखने का है। और अभी हमें क्या करने का है, इस जार को किस से ढक देने का है। मैंने क्या किया है कि इसको इस तरह से ढक दिया है और अभी 24 आवर्स हो चुके हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हुआ है और इस पानी का कलर कुछ पीला सा दिख रहा है आप। अब हमें क्या करने का है, इस इंडियन आलमंड लीफ को पानी में से निकाल देने का है। इसमें से सारे लीव्स मैं बाहर निकाल देता हूँ। मैंने अब इसमें से सारे इंडियन आलमंड लीफ बाहर निकाल दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इस तरह से पानी की चालनी लेनी की है। इसमें से हमें इस पानी को इंडियन आलमंड लीफ के एक्स्ट्रैक्ट को डाल देने का है और अच्छी तरह से छान लेने का है। तो अब हमारा इंडियन आलमंड लीफ का एक्स्ट्रैक्ट तैयार है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, इसमें ये कुछ ब्राउनिश कलर का दिख रहा है। ये जो इंडियन आलमंड लीफ का एक्स्ट्रैक्ट है, ये बीटा को बहुत बेनिफिट देता है। ये किस तरह से बीटा को बेनिफिट मिलते हैं इसके, मैं इसके बारे में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे इसके बेनिफिट्स के बारे में बता दूंगा। चलो चलते हैं, हम इस इंडियन आलमंड लीफ को अपने मेरे बीटास को किस तरह से डालने का दिखाता हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे सारे होम ब्रीड बीटास है। मैं इन सबको थोड़ा थोड़ा लिक्विड डाल दूंगा। ये लिक्विड थोड़ा सा कमी डालने का, अगर क्या होता है आपने ये लिक्विड बहुत ज़्यादा डाला तो इसमें से इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, उससे कभी कभार क्या होता है कि उनको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होता है। तो बस थोड़ी मात्रा में डाल देने का। और मैं क्या कहता हूँ कि अभी सपोज़ मैंने आज लिक्विड डाला है तो दो दिन बाद मैं इसमें से थोड़ा 25% वाटर चेंज करता हूँ। उससे क्या होता है कि उस पर से अगर कुछ लेयर वगैरह आई होंगी तो वो लेयर निकल जाएंगी। और इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा ये लिक्विड हर मेरे बेटा को डाल दिया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे YouTube चैनल मैक्स बीटा हब को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस।